क्वेश्चन नंबर 51, इफ़ पॉसिबल यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में दी है मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2 -5 -3 -1 3 2 3 1 3। आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कैसे होगा, हम कर भी चुके हैं। ए इज इक्वल्स टू आपको लिखना होगा आई ए, और ये वाले ए में आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू डालना है, और ये वाला ए एज इट इज़ रखना है, और यहाँ पर आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करना है। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू आई आपका 100010001 इंटू ए। अब आपको कोशिश ये करना है कि आपकी ये वाली मैट्रिक्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह हो जाए यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 -5 -3। कोशिश आपको ये करना है कि यहाँ पर 100 आ जाए। अब क्योंकि यहाँ पर -5 -3 और 2 इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको ऐसा ऑपरेशन यूज़ करना है पहले जिससे हमें दो कॉमन फैक्टर्स वाले एलिमेंट्स मिल जाए, तभी हम इसे 100 फॉर्म में लेकर आ पाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम यूज़ करते हैं R2 implies R2 plus R1, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 2 -3। R2 में सारे R1 के एलिमेंट्स प्लस हो गए, -5 में 2 प्लस हुआ तो -3, 3 में -1 प्लस हुआ तो 2, 1 में 3 प्लस हुआ तो 4। उसी तरह यहाँ पर भी होगा RHS में, तो 1 0 प्लस 1 1। अब आप देखिए कि यहाँ पर -3 और 2, अगर आप Row 3 में ऑपरेशन लगाते हैं R3 -R2, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। आपको ये भी ज़ीरो चाहिए था और ये भी ज़ीरो चाहिए था, तो R3 implies R3 -R2, तो ये हो जाएगा 2 -3 0। अब आप देखिए यहाँ पर आपका जो R3 है इसका लास्ट एलिमेंट -1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप R3 में क्या करिए, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो R3 implies -R3। अब क्योंकि आप साइमल्टेनियसली दो रो ऑपरेशंस एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो आप हाथों हाथ इस 2 को भी 1 की तरह कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे -3 है, 2 और -3 इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप 2 को 1 या -1 की तरह कर देंगे तो फिर आप -3 को 0 कर पाएंगे। तो आप एक ऑपरेशन और यूज़ कर लीजिए, R1 implies R1 plus R2। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा -1 -3 0 1 2 0 7 4 1। माइनस था तो प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू 2 1 1 1 1 1 1 और 0 0 -1 इंटू ए, ऐसा आपको मिल गया। अब आप फाइनली इस -3 को 0 कर सकते हैं, तो R2 implies R2 -3 R1, तो आपको ये मिल जाएगा -1 0 0, ऐसा आपको मिल रहा है। अब आपको इसको 0 करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप R1 plus R2 कर दीजिए, तो R1 implies R1 plus R2 -1 plus 1, तो 0 हो जाएगा। तो आपको मिल गया -1 0 0 0 -1 0 -10 इंटू ए। अब यहाँ पर आपको 1 चाहिए और यहाँ पर भी 1 चाहिए, A11 और A22 आपका 1 होना चाहिए, तो आप Row 1 में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और साथ ही साथ Row 2 में भी माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा 100 0 1 0। अब आप देखिए यहाँ पर 10 और 17, ये 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि 100 आ गया है, 010 आ गया, तो इनका कोई डर नहीं है,
आप आर वन को लिख दीजिए, आर वन माइनस 10 R3, और आर टू को आर टू माइनस 17 R3। देख लीजिए आप, यहाँ पर 0 0 आ रहा था, पहले कॉलम में तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, और सेकंड कॉलम में भी 1 ही होगा, और आपके जो थर्ड कॉलम है उसमें 10 और 17 है, ये 0 हो जाएंगे, तो आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आसानी से मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा आई की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 10 मतलब -7, 5 माइनस 17 मतलब -12 और 1, ऐसा आपको मिल गया। ये आपकी पूरी आई की तरह बन गई, बस ये आपका इन्वर्स है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू -7 -12 1 -9 -15 1 10 17 -1, ये आपका ए इन्वर्स था और ये आपका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट, इसमें आपको ए दे रखा है 2 -1, वही चीज़ कीजिए आप, ए इज इक्वल्स टू आई ए, तो आपको ये मिल जाएगा ए। अब यहाँ पर आप पहले -1 और 1 को 0 करिए, तो -1 को 0 करने के लिए आर टू इम्प्लाइज 2 R2 प्लस आर वन, तो 2 × R2 मतलब -2 प्लस आर वन, आर वन का पहला एलिमेंट 2, और आर थ्री इम्प्लाइज 2 R3 माइनस आर वन, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया 2 0 0 3, ये चीज़ आपको मिल रही है। अब आप देखिए, ये -1 को भी 0 करना है, तो आर थ्री इम्प्लाइज आर थ्री माइनस आर टू, तो आपने जब ऐसा किया तो आपको मिल जाएगा 3 -1 0 -3 1 0। अब आप देखिए, यहाँ पर ये चीज़ 0 आ गई समझ में आ रहा है, पर ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होना चाहिए, पर तीनों एलिमेंट अगर 0 आ जाते हैं तो उस चीज़ का इन्वर्स पॉसिबल नहीं रहता है। तो हियर आप यहीं रोक दीजिए और लिख दीजिए, हियर ऑल एलिमेंट्स इन थर्ड रो आर 0, सो इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, वही कीजिए आप, ए इज इक्वल्स टू आई ए, तो ए है आपका आई। अब इसमें भी आप देखिए, 2 और 5 दोनों कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो पहले आप क्या कीजिए, इस 5 को 1 में कन्वर्ट कर लीजिए। वो कैसे होगा, आर टू इम्प्लाइज आर टू माइनस 2 R1, 5 -2 × 2 4, 5 -4 1, तो आपको ये मिल गया 2 1 0 0 1 1। अब वापस से एक बार और, आर टू इम्प्लाइज 2 R2 माइनस आर वन, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो आपको ये मिल गया 2 0 0 0 2 1 -1, ऐसा आपको मिल गया। अब R3 में लगा लीजिए आप ऑपरेशन, 2 R3 -R2, तो 2 × 1 -2 मतलब 0, तो 2 0 0 0 2 0 -1 5, अब 6 -5 1 इज इक्वल्स टू 1 -5 5, आपको मिल गया। अब ये चीज़ आपको 0 करना है, तो R1 प्लस R3 कर दीजिए, तो R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R3, तो ये हो गया 2 0 0 0 2 0, पहले के दो कॉलम अनडिस्टर्ब रहेंगे, -1 + 1 0 5 1।
अब इस 5 को टारगेट कर दीजिए, इसको भी ज़ीरो करना है आपको। तो आर टू इम्प्लाइज आर टू माइनस 5 R3, तो ये आपको मिल जाएगा 2 0 0 0 0, और ये 2 0, यहाँ पर 0 और ये 1 इज इक्वल्स टू। अब रो 1 और रो 2 को आप 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको 1 0 0 0 1 0 मिल पाएगा। तो R1 इम्प्लाइज 1/2 R1 और R2 इम्प्लाइज 1/2 R2। आपको फाइनली आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हो गया 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 इंटू ए। ये आपका ए इनवर्स है, ठीक, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स 2 1 4 3 -1 1 1 2 2 एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थ्योरम 2, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसका यूज़ करेंगे। ये थ्योरम 2 कहता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन दिस वे। ए इज इक्वल्स टू 1/2 a + a' + 1/2 a - a'। ये थ्योरम आप याद रखिएगा, इसी चीज़ का हम अब यूज़ करने वाले हैं। ये आपकी मैट्रिक्स ए है, तो आप लिख लीजिए हियर। अब ए डैश क्या हो जाएगा आपका, इसका ट्रांसपोज, रोज कॉलम स्विच हो जाएंगे, तो 2 1 4 3 -1 1 1 2 2। अब इस थ्योरम का यूज़ किया आपने, तो बाय थ्योरम 2 आप स्टेटमेंट लिखिएगा और ये लिख दीजिएगा ए इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा 1/2। अब यहाँ पे ब्रैकेट और ये दोनों मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/2, अगेन ब्रैकेट 2 1। अब इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपको ये मिल जाएगा 1/2, इन सबको ऐड किया तो 4 4 5, उसी तरह से यहाँ पर प्लस 1/2, तो 0 2 -3। अब 1/2 का आपने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये हो जाएगा 2 2 5/2 2 -1 3/2 5/2 3/2 और 2, और यहाँ पर 0 1 -3/2 -1 0 1/2 3/2 -1/2 0। इस तरीके से आप इसको सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 से 67 तक आपको एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 53, द मैट्रिक्स पी इज इक्वल्स टू 0 0 4 0 4 0 4 0 0 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स की नन। देखिए आप, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं है ये, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपका a11, a22, a33 इस तरह के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर आपका ये 4 भले ही नॉन ज़ीरो है, पर ये ज़ीरो होना चाहिए था और ये ज़ीरो होना चाहिए था, ये नॉन ज़ीरो है, इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये दोनों 4 यहाँ पर होते तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होती, मतलब अगर ये ऐसा होता 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये डायगोनल होती, इसीलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एक दूसरा नाम है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जिसको आप कहते हैं आई, तो ये भी नहीं है। आई क्या होता है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसीलिए ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है 3 × 3। तो आपका आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 54, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 0 इस, ठीक है हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है 3x3 की आपकी मैट्रिक्स है, मतलब टोटल जगह आपके पास कितनी है एलिमेंट्स को डालने के लिए, 9, A11, A12, A13 लाइक दिस। अब यहाँ पर आपके पास दो एंट्री है 2 और 0, यहाँ पे ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है, नहीं है, आपके सारे एंट्री में हो सकता है 2 आए, सारी एंट्री में हो सकता है 0 आए, या रेंडमली 0 2 ऐसा कुछ आए। तो आप याद कीजिए आपके 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि जब भी रिपीटेशन अलाउड रहता है और आपके पास यदि नो स्पेसेस हैं, तो इन नो स्पेसेस में अगर आप दो एलिमेंट फिल कर रहे हैं तो वो इस तरीके से फिल हो सकते हैं 2 × 2 × 2 एंड सो ऑन। तो 9 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 9, ठीक है, तो इसका आंसर है 2 की पावर 9, मतलब 512 डी। क्वेश्चन नंबर 55, इफ 2x + y 5x - 7 4x इज इक्वल्स टू 7y - 13 x + 6 देन वैल्यू ऑफ x + y इज, इजी क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली कर लीजिए कंपेयर करके। आपका पहला एलिमेंट 2x + y इक्वल टू है 7 के, और आप लास्ट एलिमेंट ले लीजिए 4x इज इक्वल्स टू x + 6, तो आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 3x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 2, इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा 2 × 2 + y इज इक्वल्स टू 7, तो y इज इक्वल्स टू 3। अब आप ध्यान से देखिए, इन्होंने पूछा था x + y, तो x + y ये आपका हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। ये है आपका ऑप्शन नंबर, इन्होंने थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी करी है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये x2 y 3 है, ये कुछ 5 होना चाहिए था, ठीक है मिसप्रिंट है, तो उसका आंसर है बी।